हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त शाकिर और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल टैग दिखाना। तो गाइज, यहां पे आज 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में जो स्मार्टफोन आते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और स्पेशली यहां पे अनबायस होकर हम रिव्यू करेंगे रियलमी XT का, क्योंकि करीबन मुझे यहाँ पर एक महीना हो चुका है इस फ़ोन को यूज़ करते हुए और मुझे यहाँ पर इसमें क्या कमियाँ लगी और ये जो है आपके क्या रिक्वायरमेंट को जो है पूरा कर पाएगा अगर आप जो 16,000 रुपए के फ़ोन को आपके पास ख़रीदते हैं। क्योंकि इस फ़ोन में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जो एक काफ़ी अच्छी बात है रियलमी की तरफ से, जैसे कि यहाँ पे एक अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे बैटरी लाइफ अच्छी मिल जाती है, फ़ोन दिखने में काफ़ी अच्छा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर मुझे इसमें जो क्या कमियाँ लगी वो भी आप जो है जान पाएंगे। अगर आप जो है रियलमी XT को या फिर रियलमी X या X2 को जो है ख़रीदना पसंद करोगे तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की और देखते हैं रियलमी XT के बारे में। रियलमी XT में सबसे पहले यहाँ पे अगर इस फ़ोन के हाईलाइट फीचर की बात की जाए तो वो है इसका 64 मेगापिक्सल जो आता है क्वाड कैमरे के साथ। और अगर यहाँ पे इन कैमरे की बात करो तो सबसे पहले हमें 8 मेगापिक्सल मिलता है, उसके बाद 64, दूसरा यहाँ पे डेप्थ सेंसर के लिए और तीसरा यहाँ पे माइक्रो लेंस के लिए, जहाँ पे आप जो है बहुत सी अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं जो शायद आपको अच्छी लगे। उसके बाद यहाँ पे अगर इसके डिज़ाइन की बात करो तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और स्पेशली यहाँ पे जो है वाइट कलर काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे ब्लू के मुकाबले। तो अगर आप कोई कलर सोच रहे हैं तो ये कलर आपके लिए एक बेटर रहेगा और बाकी आप पे वो चॉइस करता है कि आपको कौन सा यहाँ पे कलर लेना है। अगर इसके प्रोटेक्शन की बात की जाए तो यहाँ हमें मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और फ्रंट और बैक दोनों में मिल जाता है। और इस बार जो है हमें यहाँ पर जो है ग्लास बॉडी जो है देखने को मिलती है, ना कि प्लास्टिक की। और ये जो फ्रेम है वो है प्लास्टिक की। और यहाँ पे अगर इसके USB की बात करो तो टाइप सी हमें मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो इसका स्पीकर है मेन, वो काफ़ी ज़्यादा लाउडनेस है और अच्छा आपको सुनाई देगा। यहाँ पे ऐसे बहुत सोने कहा है कि इसका जो है स्पीकर एवरेज है, एवरेज नहीं है यार, वो काफ़ी अच्छा लाउडनेस जो है हमें मिल जाता है। और अगर इसके हेडफोन्स की बात करूँ तो आपको डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है जिससे आप म्यूज़िक को और भी अच्छा जो है इसमें सुन सकते हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करूँ यहाँ पे तो हमें जो है 16 मेगापिक्सल का जो है सेल्फ़ी कैमरा मिल जाता है, जहाँ पे हम अच्छी खासी फ़ोटो जो है इसमें ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने जो है कोई भी टेम्पर्ड ग्लास या फिर जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगाया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ स्क्रैचेस जो है देखने को मिल जाते हैं। तो अभी ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फ़ोन में यानी 16,000 रुपये के फ़ोन में हमें यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जहाँ पर हम इन डिस्प्ले का जो है मज़ा ले सकते हैं फिंगरप्रिंट का, और काफ़ी ज़्यादा फास्ट हमें जो है ये देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन डिस्प्ले बिल्कुल 1 सेकेंड के अंदर अपना काम कर लेता है। और यहाँ पे आपको जो है कलर OS जो है देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ पे ये डिपेंड करता है आपके यूज़ पे कि आपको यहाँ पे कलर OS पसंद है या फिर आपको MIUI या फिर आप जो है कोई स्टॉक वगैरह यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं एक यहाँ पे स्टॉक यूज़र हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं गई है कलर OS में, बल्कि यहाँ पे कुछ और भी मुझे नए फीचर मिले हैं जो स्टॉक एंड्रॉयड में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। फ़ोन के यहाँ पे अगर डिस्प्ले को देखा जाए तो कोई भी यहाँ पे हमें जो है इससे शिकायत नहीं होने वाली है, क्योंकि हम इसमें जो है HDR को जो है प्ले कर सकते हैं 1080p तक। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैं जो इसमें HDR वाला एक वीडियो चला रहा हूँ जो है 1080p, और यहाँ पे आप जो है इसकी विजिबिलिटी देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ जो है ये काफ़ी अच्छा जो है हमें जो है एक विविंग एंगल और जो है कलर वगैरह को जो है लेके आता है। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर ये पंची लगता है, लेकिन यहाँ हमें जो है कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी इस फ़ोन में। तो डिस्प्ले के मामले में भी फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा है, आप देख सकते हो कि आप जो इसमें हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से देख सकते हैं। रियलमी XT की अगर गेमिंग की बात करो यहाँ पे आप सभी के लिए, तो यहाँ हमें जो है HD और हाई ग्राफिक्स जो है देखने को मिल जाते हैं रियलमी के XT में। और स्पेशली यहाँ पे PUBG वालों के लिए ये फ़ोन काफ़ी बेटर रहेगा, जहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन का 712 वाला चिपसेट मिलता है और एड्रीनो 616 जो है इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जो है HD और हाई ग्राफिक्स को जो है इसमें प्ले कर सकते हो और बहुत ही अच्छा आपको शानदार यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। और आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है तो उससे कोई हमें जो है दिक्कत नहीं जाएगी। विविंग एंगल काफ़ी इसके अच्छे हैं और यहाँ पर मैं जो इसमें PUBG वगैरह प्ले करता हूँ तो कोई भी दिक्कत मुझे नहीं जाती है। साथ ही यहाँ पर अगर कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करूँ तो मैंने वो भी इसमें जो है प्ले किया है, जो काफ़ी ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स वाला गेम है। वहाँ पर भी आपको जो है एनिमेशन और जो उसके इफेक्ट होते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया आपको जो है इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप अगर सोच रहे थे कि ये फ़ोन जो है गेमिंग के लिए एक अच्छा नहीं होगा, तो मैं कहना चाहूँगा ये गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जहाँ पे आप जो है अच्छे हाई ग्राफिक्स वाले गेम को इसमें जो है प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने जो है इसमें प्ले किया है
और इसमें जो है काफ़ी अच्छा जो है आपको एनिमेशन और ग्राफिक्स जो है देखने को मिल जाता है। और अगर आप चाहेंगे कि अगर मैं कोई गेमिंग पे इसका जो है कुछ वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता देना, मैं ज़रूर जो है इस पर एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर आपको मैं कम्प्लीट डिटेल में बताऊँगा कि इसका गेमिंग एक्सपीरियंस जो है आपको जो है कैसा जो है देखने को मिल जाता है। तो गेम लोड होने में यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, गेम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे जो है स्मूथली इसमें रन हो जाता है, चाहे फिर पबजी हो या फिर जो है कॉल ऑफ ड्यूटी हो, क्योंकि मैंने पर्सनली इसमें जो है इसमें बहुत मरतबा इसको जो है प्ले किया है। अब बात आती है इसकी बैटरी लाइफ की, तो फ़ोन यहाँ पर चार्ज होने में करीबन 80 मिनट लेता है यहाँ पर फुल चार्ज होने में, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 70% मेरी यहाँ पर बैटरी बची हुई है और मैंने 3 घंटे 14 मिनट यहाँ पर इसको यूज़ किया है और अभी भी मेरी बैटरी यहाँ पर जो है 70% यहाँ पर जो है बची हुई है। अगर यहाँ पे बैटरी ड्रेन की बात करूँ रात में यहाँ पे के बैटरी यहाँ पे कितनी ड्रॉप होती है, तो गाइस यहाँ पे 1 या 2% ही बैटरी जो है इसमें ड्रॉप होती है। तो कलर ओएस में जो है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जो है हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, साथ यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी इसमें मिल जाता है। और ये ऐसा पहला फ़ोन रहेगा रियलमी का जो 2020 में जो है हमें इसमें जो है एंड्रॉयड 10 जो है देखने को मिल जाएगा, और साथ ही नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पर हमें जो है डार्क मोड भी इसमें जो है मिल जाएगा जो रियलमी ने अपना जो है वादा किया है इस फ़ोन के लॉन्च इवेंट में। कैमरा इंटरफेस की बात की जाए यहाँ पे तो आपको जो है वीडियो में जो है बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे अल्ट्रा, 64 MP, नाइटस्केप, पैनोरमा, एक्सपर्ट मोड जिसको हम जो है मैनुअल या फिर जो है प्रो मोड कहते हैं, टाइम लैप्स आपको मिल जाता है, स्लोमो मिल जाता है और अल्ट्रा माइक्रो भी आपको इसमें जो है देखने को मिल जाता है। तो स्लो मोशन में चलते हैं तो यहाँ पर हमें जो है 960 और उसके बाद यहाँ पे और दो ऑप्शन मिल जाते हैं जो है 240 और एक जो है 120। तो यहाँ पे जो है आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं जाएंगी, आप जो है सही इन्वायरमेंट में जो है इसको अगर यहाँ पे जो है शूट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका एक कैमरा डिटेल वाला जो है एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है उसको वहाँ से देख सकते हैं कि इसका कैमरा वगैरह कैसा है। तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड और क्रोमा बूस्ट वगैरह जो है देखने को मिल जाता है, तो ये है इसका अल्ट्रा वाइड। उसके बाद HDR वगैरह आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा है ये। और उसके बाद कुछ एडिशनल सेटिंग्स भी आपको इसमें जो है मिल जाती है, और यहाँ आप जो है इसको SD कार्ड में भी सेव कर सकते हैं जहाँ पे आपको कलर ओएस में ये ऑप्शन मिल जाता है जो अदर फ़ोन में आपको नहीं मिलता। कैमरे के बाद यहाँ पर अब बात आती है इसके फ्रंट शूटर की, जो मिलता है हमें 16 MP का F2.0 जहाँ पर अच्छी खासी हम जो है सेल्फी वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। तो 16 MP है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है, काफ़ी अच्छी आप यहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं जहाँ पे आपको ब्यूटी मोड मिल जाते हैं और साथ यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये मेरी सेल्फी है जो मैंने नेचुरल मोड पे यहाँ पे ली है और नेचुरल मोड ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो फोटो वगैरह काफ़ी अच्छी आती है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी साइज़ वगैरह आपको जो है इस तरह से देखने को मिलती है, इसका पिक्सल वगैरह तो F2.0 आपको यहाँ पर मिल जाता है, फोकल लेंथ वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सेल्फ़ी लवर्स के लिए भी ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि 16 MP भी यहाँ पे हमें जो है काफ़ी अच्छी जो है सेल्फी वगैरह प्रोवाइड करता है। और दोस्तों यहाँ पे हम जो है इसका साउंड भी टेस्ट कर लेंगे कि इसका जो है लाउडनेस आपको जो है कैसा यहाँ पे सुनाई देता है, तो चलिए मैं एक NCS से कोई सॉन्ग जो है प्ले कर देता हूँ। तो रियलमी X3 का साउंड आपने यहाँ पे सुन लिया है जो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, और यहाँ पे कोई भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि सफिशिएंट है इतना साउंड हम सभी के लिए। अब बात करते हैं इसके यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंटरफेस की, तो यहाँ हमें मिलता है कलर OS 6.0 वाला जो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे अभी तक, लेकिन इसमें जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर सिक्योरिटी की बात करूँ यहाँ पर तो हमें जो है बहुत सारे यहाँ पर एडिशनल फीचर इसमें जो है मिल जाते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे, और मुझे जो है स्पेशली ये जो है स्टॉक से जो है कहीं बेटर लगा है, लेकिन स्टॉक की बात ही कुछ अलग होती है, ये भी आप एक बात जो है ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो लॉक स्क्रीन यहाँ पे पासवर्ड वगैरह, प्राइवेसी पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो अगर आप जो है आपके डेटा को जो है यहाँ पर सिक्योर रखना चाहते हैं तो ये आपको एक बेटर ऑप्शन देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है ऐप लॉक भी मिल जाता है जो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, और आप जो है इसको आपके ही फिंगर से या फिर जो आपके पासवर्ड से ही खोल पाएंगे। तो यहाँ पे जो है इसमें जो है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं गई है, तो फ़ोन का डिस्प्ले वगैरह काफ़ी अच्छा है। और अगर इसके कमी की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे जो है सनलाइट में इसका डिस्प्ले जो है थोड़ा डल लगता है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम जब धूप में जाते हैं सनलाइट में
तो यहाँ हमें जो है इसको देखने में थोड़ी बहुत दिक्कत जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो है एक लॉन्चर को यूज़ किया है जो डार्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ इसका जो कुछ इंटरफेस जो है अलग सा है। ये जो है मैंने स्टॉक वाला लॉन्चर यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आप भी आपके पास ये फ़ोन है तो आप जो है इसको भी आपके फ़ोन में जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। साथ ही यहाँ पर डिजिटल व्हील बिंग आपको इसमें जो है मिल जाता है, जहाँ पर और भी आप जो है बैटरी को जो है ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो और ऐप कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है एक फ़ोन ये 15,000 से लेके 20,000 रुपये के प्राइस में। तो बस एक ही शिकायत है यहाँ पे मुझे कि इसका जो डिस्प्ले मुझे सनलाइट में जो है ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखता है। शायद ये कोई सॉफ्टवेयर इशू हो तो सॉल्व हो जाए, उसके अलावा फ़ोन एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और ये जो है अनबायस होकर मैं रिव्यू कर रहा हूँ और ये मेरे अपने पैसों से खरीदा हुआ फ़ोन है, ना कि मुझे कोई ये रिव्यू यूनिट मिला है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होंगी, और अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव हो इस फ़ोन को लेके तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं ज़रूर उसको जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करने की कोशिश करूँगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है यार। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।